फर्स्ट हाफ में आप सभी ने जो प्यार बांटा है वही प्यार सेकेंड हाफ में भी मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ दिल से इस प्रोग्राम में ऐसे कई सारे प्यार भरे और दिलों को छू लेने वाले गीतों के साथ ये महफिल जो सज रही है। इसमें प्रेम पुजारी के इस गाने के बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं। जिस ज़माने में नए नए अदाकार फिल्मों में छा रहे थे, 90s का वो दौर था, नए नए चेहरे अदाकारों के रूप में हम सभी से मिल रहे थे और वो लोगों को भा भी रहे थे, मगर उसी ज़माने में एक ऐसा गाना बना जिस गाने को फिल्म के डायरेक्टर ने ठुकरा दिया। 3-4 सालों के बाद फिर समीर जो लिरिसिस्ट रहे गाने के, उन्होंने सोचा कि यही गाना फिर एक बार अगर हम किसी डायरेक्टर को सुनाएं और अगर उन्हें पसंद आए तो शायद किया हुआ काम वेस्ट नहीं जाएगा। वो कौन सा गाना था? वही गीत जो कि हम सभी को अंजाम फिल्म में सुनने मिला था, शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना दिल। इस फिल्म के लिए ठुकराया गया गाना आनंद मिली जी ने रिक्वेस्ट करने के बाद अंजाम फिल्म के डायरेक्टर ने अपनाया और फिर वही गाना फिल्म की पहचान बन गया। वो कौन सा गीत है अभिजीत ने गाया हुआ, आप सभी को सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले और एक सिंगर जिन्हें मैं आप सभी की तालियों के साथ आगे बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ वेलकम अभय पानसरे जी। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहां मैं कितने दिनों तक
कोई